जनपद संभल के चंदौसी में निजामुद्दीन परिवार ने पूर्व वर्षों की भांति अपने बुजुर्गों की याद में जरूरतमंदों को रजाई वितरित की। आपको बता दें कि जनपद संभल के चंदौसी के राज मोहल्ला में रहने वाले निजामुद्दीन परिवार विगत कई वर्षों से अपने बुजुर्गों की याद में ठंड के मौसम में जरूरतमंद लोगों को रजाई वितरित करता आया है। इसी के तहत आज निजामुद्दीन परिवार ने अपने निजामुद्दीन आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंद लोगों को रजाई वितरित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जनपद के जिलाधिकारी अविनाश किशन सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का संयोजक फहीमुद्दीन ने कहा कि इस कार्यक्रम में एक टीम पिछले 15 दिनों से नगर के सभी वार्डों में कार्य कर रहे थे तथा सभी जरूरतमंद लोगों को पर्ची देकर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बुलाया गया था। विगत जैसा कि मेरे वालिद ने बताया, कई वर्षों से, करीब 8-9 साल से हम ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं और गरीबों की ज़रूरतों को देखते हुए ये हमारी पूरी इसमें टीम है एक, जो पिछले 15 दिन से जगह जगह जाकर जो इसके मुस्तहिक थे उनको पर्चियाँ देकर उनको बुलाया गया। और इस काम में जो है वो हमारे नगर पालिका के जो मेंबरान थे उन्होंने भी हमारी बहुत मदद करी। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी हमारे साथ जो है वो वार्डों में घूम के पर्चियों का वितरण गरीब लोगों को कराया। साथ ही जो आज हमारे इस प्रोग्राम में माननीय ज़िला अध्यक्ष महोदय, वो ज़िलाधिकारी महोदय संभल, SDM साहब, कोतवाल साहब और जो हमारे वरिष्ठ चीफ गेस्ट थे उनमें श्री रामपाल जी, श्री परमेश्वरी लाल सैनी जी, इन सब ने जो चेयरमैन इंदु रानी जी, इन्होंने जो शिरकत करी, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारा ये जो प्रोग्राम है इसको सफलतापूर्वक इसको अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया। इस सबके लिए मैं आप पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और आपने वैसे तो देखा ही कि जितने मुस्तहिक थे उनको सबको लिहाफों का वितरण जिलाधिकारी महोदय और जो मेहमान थे उनके हाथों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम ये हमने अपने बुज़ुर्गों की याद में ज़रूरतमंदों को लिहाफों की तकसीम की। ये जो हमारे मुतालिकीन हैं, हमारे बेटे हैं, सब इसमें शामिल रहे और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको अंजाम दिलाया। आज बड़ी तादाद में ज़रूरतमंद तशरीफ़ लाए और उनको लिहाफ तकसीम किए गए। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थी वो बहन गुलाब देवी मंत्री उत्तर प्रदेश शासन ने रजामंदी दे दी थी, लेकिन वो लखनऊ चली गई। लेकिन बड़ी खुशी है कि इस मौके पर जनाब जिलाधिकारी संभल वो मुख्य अतिथि के रूप में तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने कर कामलों से इसकी शुरुआत की। साथ ही साथ हमारे श्री रामपाल सिंह जी जो इंचार्ज साहब हैं माननीय मंत्री जी के जो प्रतिनिधि हैं वो भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी इस कार्यक्रम में इसमें अपनी सदारत। तो सबसे पहले मैं जो हमारे एक प्रोग्राम को सफल जिन्होंने बनाया, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जो हमारे जिलाधिकारी महोदय आए, जिलाधिकारी संभल आए, परमेश्वर लाल सैनी जी आए और साथ में हमारे इंचार्ज साहब गुलाबो देवी माननीय गुलाब मंत्री जी के हस्बैंड आए, इंचार्ज रामपाल साहब जी आए, उन सभी का और जितनी भी सम्मानित सदस्य गढ़ते हैं उन सभी का मैं पूर्व MLC परमेश्वर लाल सैनी जी, सभी जितने भी सम्मानित सदस्य गढ़ आए उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये कार्यक्रम जो है हमारे घर से, हमारी फैमिली से कई सालों से होता चला आया है। जो गरीब और मुस्तहक लोग हैं उनको हम ये देते हैं और इस काम को इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए
लोगों को सैनिटाइज किया गया और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत करी, जिससे कि कार्यक्रम हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही सफल रहा और जितने ज़रूरतमंद थे उन सबको ये लिहाफ वितरण का कार्यक्रम किया गया और उनको लिहाफ को हम वितरित किया गया। ऐसी परिस्थिति में हमने ये देखा कि इतनी ठंड हो रही है और इंसानियत को आगे बढ़ाते हुए ऊंच नीच को सब कुछ छोड़कर, मजहबी उसको छोड़कर सभी को ज़रूरत, जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको ये चीज़ मिल जाए। क्योंकि भाई एक शेर है, जो रखते हैं प्यार का जज्बा औरों के लिए, जो रखते हैं प्यार का जज्बा औरों के लिए वो टूट कर भी कभी बिखरा नहीं करते। इसी शेर के साथ हम जो समझते हैं कि हाँ, अगर सबके दिल में इंसानियत का, प्यार का जज्बा है, एक दूसरे को हम मदद कर सकते हैं, जब हमारे पास, हमको ऊपर वाले ने, ईश्वर ने इस काबिल बनाया है कि हमारे पास है, धन है, तो हम उसको ज़रूरतमंदों में अगर थोड़ा बहुत बांटेंगे तो उससे भी लोगों की ज़रूरतें पूरी होगी और समाज में सभी को एक जैसा हम रख सकेंगे, एक जैसा दिखा सकेंगे।